हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। रीट वैकेंसी को लेकर 16 से 17 लाख युवा इंतजार कर रहे थे और उनका इंतजार अब खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप पर कल से ही मैसेज आ रहा था कि सर आरक्षण को लेकर क्या फैसला आया है राजस्थान सरकार का। उनके लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, 20 जून को जब आंदोलन किया गया था तो कुछ जो बेरोजगार युवा संगठन के जो मेल कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको वहाँ पर पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब सूचना आ रही है कि 30 जून को महिला आरक्षण के विरोध में राजस्थान बंद करने की जो सूचना हमारे पास आ रही है, तो उसके अनुसार 30 जून को अब राजस्थान बंद किया जाएगा। महिला आरक्षण का विरोध तेजी से बढ़ रहा है फ्रेंड्स, और अब ऐसी सूचना भी हमारे पास आ रही है कि आरक्षण में बड़ा बदलाव होगा, और क्या बदलाव होगा वो हम अभी आपको बता देंगे। और जो भी दोस्त अगर राजस्थान रीट वैकेंसी की तैयारी कर रहा है या कर रही है, वह जरूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। वहाँ पर आपको एमसीक्यू व रीट में आए हुए पुराने क्वेश्चन आपको वहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे। रीट एजुकेशन के नाम से एक चैनल है, उस पर आपको रीट के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल की लिंक दे दी है। जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है उसी चैनल पर एमसीक्यू आपको मिलेगा। इस चैनल पर आपको एमसीक्यू नहीं मिलेगा, और उस पर आपको राजस्थान रीट भर्ती का सिलेबस भी आ चुका है। पुराने पैटर्न के आधार पर ही आपका वैकेंसी होगी, और 30 जून को अब राजस्थान बंद होगा और आरक्षण में बड़ा बदलाव होने की पूरी उम्मीद है। और कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अपना फैसला वापस लेंगे। तो ये बड़ी सूचना हमारे पास आई थी, और आप लोगों का जब मैसेज आया तो मैंने देखा कि राजस्थान महिला आरक्षण को लेकर विरोध तेजी से चल रहा है। जयपुर में युवा संगठन के अनेक मोर्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं और 30 जून को राजस्थान बंद करने की बात बोल रहे हैं। अगर 30 जून को राजस्थान बंद हो जाता है तो आरक्षण में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो जो भी दोस्त शामिल होना चाहता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।